बॉलीवुड अभिनेता मनोज बाजपेयी की अदाकारी वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 को लेकर तमिलनाडु में विवाद बढ़ता जा रहा है। इस वेब सीरीज का ट्रेलर लॉन्च हो चुका है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही इस पर बैन लगाने की मांग तमिलनाडु के विभिन्न वर्गों से उठने लगी है। तमिलनाडु सरकार ने भी अब इस सीरीज को लेकर केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखी है। राज्य सरकार की ओर से सोमवार को केंद्र सरकार को भेजी चिट्ठी में आग्रह किया है कि अमेजॉन प्राइम पर रिलीज होने वाली वेब सीरीज द फैमिली मैन 2 के प्रदर्शन पर रोक लगाने या इस पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। तमिलनाडु के आईटी मंत्री मानो थनागराज ने केंद्र में सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को ये चिट्ठी भेजी है। वेब सीरीज फैमिली मैन 2 अमेजॉन प्राइम पर 7 जून को रिलीज होना निर्धारित है। तमिलनाडु के आईटी मंत्री थनागराज ने चिट्ठी में लिखा है कि सीरीज में श्रीलंकाई तमिलों को गलत और आपत्तिजनक तरीके से पेश किया गया है।